Assalamu alaikum students, this video is for class 1 and we are going to make video of week 2 and day 2. Week 2 day 1 में मैंने आपको ये सिखाया था कि dictionary जो होती है उसके अंदर arrangement जो है वो alphabetic order के हिसाब से होती है. और dictionary को हम use किस लिए करते हैं, जब हमारे पास English में कोई text होता है यानि कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और उसके अंदर वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे लिए न्यू होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि उसकी मीनिंग्स ढूंढनी होती हैं. तो मीनिंग्स को हम उर्दू में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास लिटिल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी इंग्लिश में ही है. तो मैं आपको ये सिखाऊंगी इस वीडियो में कि आपने डिक्शनरी को यूज किस तरीके से करना है, किस वर्ड को किस तरह निकालना है. तो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है वो वर्ड्स होते हैं. जैसे सारे पहले ए के वर्ड्स आएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरीके से. अभी आप इसको जरा यहाँ पे देखें, डिक्शनरी के अंदर लेटर ए फर्स्ट पे आपके पास आता है लेटर ए, ठीक है. और इसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो ए के हैं. जब आपके पास ए के वर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास लेटर आता है बी. मैं अभी आपको शो करूंगी तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. देखें बी, उसके बाद सारे बी के वर्ड्स आएंगे, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ. तो जब आपको कोई ऐसा वर्ड यूज करना होगा जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो ए है, तो आपको सबसे पहले ए का जो है वो ए के वर्ड्स निकालने होंगे जहां पे ए लिखा हुआ है, ठीक है. पहले तो फर्स्ट लेटर के हिसाब से देखना होगा, उसके बाद आपने अपने वर्ड का सेकंड लेटर देखना है. ए के अंदर ही आपको देखें पहले ए वाले वर्ड्स होंगे, जो ए और ए दोनों लेटर ए हैं. उसके बाद ए बी, अब इन्होंने जो है वो सीक्वेंस जो है वो सेकंड लेटर के हिसाब से की हुई है. देखें यहाँ पे ए ए के वर्ड है, उसके बाद ए बी के वर्ड है, बहुत छोटा इन्होंने देखें ऊपर देख सकते हैं आप, ए बी ए बी. उसके बाद जब ए बी के वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो आपके पास आ जाता है ए सी. अब ये सेकंड लेटर के हिसाब से जो है वो अरेंज कर रहे हैं इस तमाम वर्ड्स को. तो हम ये सीखेंगे कि हम अपने वर्ड्स को सेकंड लेटर के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे. ये आपको दिख रहा है चार्ट, ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड लेटर. इन द फर्स्ट वर्ड वी हैव आई, उसके बाद वी, एन. फर्स्ट लेटर देखें सबका सेम है, एयर, अवॉइड, aunt, auntie, acting, adore, afford, appear, arrive, attentive, amazing, ago, abacus, allow, aeroplane. सारे वर्ड्स क्या है, ए से शुरू होते हैं, लेकिन डिक्शनरी में ए के बाद सेकेंड लेटर के हिसाब से अरेंजमेंट होती है. अब हम इसके सेकेंड लेटर्स को फाइंड करेंगे, यू, सी, डी, एफ, पी, आर, टी, एम, जी, B, L, E, ठीक है. अब हम अरेंज करते हैं इसको सेकेंड लेटर के हिसाब से. तो सेकेंड लेटर में हमें सबसे पहले देखना है A. क्या A A का कोई वर्ड है, नहीं. क्या A B का कोई वर्ड है मेरे पास, ये रहा, ये देखें फर्स्ट लेटर A है, सेकेंड लेटर क्या है इसका B. A के बाद B आता है, तो सबसे पहले मैं इसको रख देती हूँ ऊपर, A B वाले वर्ड्स हो जाएंगे. अब C ढूंढना है मुझे, सेकेंड लेटर होना चाहिए C, ये रहा, इस वर्ड को मैं यहां रख. उसके बाद सेकंड लेटर होना चाहिए डी, ये रहा थर्ड, थर्ड वन पे आ गया एडोर, अबकस, एक्टिंग, एडोर. हम सेकंड वर्ड के लेटर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं. डी के बाद आएगा ई, तब यहां देख लेते हैं कि ए के बाद, ये देखें एरोप्लेन, ए ई, यहां आ गया ए ई. उसके बाद ई के बाद क्या आता है एफ, तो हमें ये देखना है कि सेकंड लेटर हमारा पास एफ होना चाहिए, ये रहा अफोर्ड, अफोर्ड में ए के बाद एफ आता है. नेक्स्ट होता है एफ के बाद क्या आएगा जी, जी कोई है, ये रहा अगो, सेकंड लेटर में आ गया जी. जी के बाद एच, एच यहां पर नहीं है, आई, ये रहा आई, जी एच आई आर, ये देखिए अराइव, जी आई सॉरी अफोर्ड, एफ जी एच आई जे, सॉरी जे आता है और जे हमारे पास नहीं है इसलिए मैंने आगे वाला कर दिया जे, ठीक है. उसके बाद हम कहां थे, आई पे थे, आई के बाद आ जाए जे, तो सेकंड लेटर में पास कोई जे का वर्ड है नहीं, तो उसके बाद हम के देखेंगे, के भी नहीं है हमारे पास,
एल, एल का कोई वर्ड है? ये रहा अलाउ, ठीक है, तो मैं इसको यहां पे रख दूंगी आई के बाद। एल के बाद एम, ये देखें अमेजिंग, सेकेंड लेटर एम है। एम के बाद मेरे पास है एन, एन भी है हमारे पास सेकेंड लेटर में। एम एन ओ, ओ है हमारे पास नहीं। पी, पी ये रहा अपेयर। क्यू है हमारे पास नहीं। आर, आर ये रहा अराइव। पी क्यू आर, एस नहीं है, टी है, देन यू, देन वी। तो ये जो मैंने लेटर्स को अरेंज किया है, वर्ड्स को, वो सेकंड लेटर के हिसाब से किया है। ये हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम अपनी डिक्शनरी को सही तरीके से यूज कर सकें और जो भी हमें वर्ड ढूंढना है वो इजीली हमें मिल जाए। तो सबसे पहले जब हम डिक्शनरी ओपन करेंगे, फर्स्ट लेटर को चेक करेंगे, हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है। जब वो फर्स्ट लेटर हम डिक्शनरी में से निकाल लेंगे, उसके बाद हम सेकंड लेटर चेक करेंगे, तो हमें हमारा वर्ड जो है वो इजीली मिल जाएगा। आज की वीडियो में आपने डिक्शनरी को यूज करना सीखा है। इसके अलावा जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको वीक टू डे वन में करवाई थी, वो आपने याद करनी है और अपनी कॉपी में उसका असेसमेंट भी करना है। जज़ाकअल्लाह।